हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने लगी हूँ बचे हुए चावलों की रेसिपी। इससे मैं बनाऊंगी पकोड़े जो बहुत ही यमी बनेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बड़ी कटोरी चावल। फिर मैंने लिया है एक दो मिर्च, हरा धनिया, एक बड़ा प्याज जिसको मैंने लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लिया है। अब मैं चावल में मिक्स कर दूंगी इन तीनों चीज़ों को और मैं अब इसे अच्छे से मिला दूंगी। तो फ्रेंड्स, अब मैंने डाला है ये हींग, नमक। तो फ्रेंड्स, पहले भी चावलों में नमक है क्योंकि ये जीरे वाले चावल थे, तो इसमें पहले भी नमक है तो हम देख के डालेंगे। ये मैंने डाल दिया आधी चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच चाट मसाला, आधी चम्मच अजवाइन। तो फ्रेंड्स, अब अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन, जिसमें से मैं पहले 4 चम्मच बेसन डाल दूंगी और इसको ऐसे हम मिक्स करेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं, ताकि चावल और बेसन अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं और सारी चीज़ें, प्याज भी अच्छे से मिक्स हो जाए बीच में। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच और बेसन डाल दिया है और अब मैं अच्छे से इसको आटे की तरह गूंद लूँगी और ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चावल और बेसन मिलकर बहुत ही गाढ़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 2 चम्मच पानी लिया है और मैंने इसको थोड़ा बैटर को लूज़ किया है। पहले 2 चम्मच लिया था, मैं फिर 2 चम्मच पानी ले लूँगी और इसमें डाल लूँगी, तो इससे बैटर लूज़ हो जाएगा। जैसे नॉर्मल पकोड़े का बैटर होता है, वैसे ही मैं इसको बना लूँगी, जिससे पकोड़े और भी अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड, जब अगर गाढ़ा होगा तो उससे पकोड़े एकदम टाइट हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो फ्रेंड्स, अब मैं पकोड़े तल लूँगी इनके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तलने के लिए मैंने लिया है रिफाइंड तेल जो गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके इसमें पकोड़े डालती जाऊंगी और तल लूँगी। तो फ्रेंड्स, याद रहे कि बिल्कुल सिम आंच पर पकाएं, ताकि ये अंदर से भी पूरे पक जाएं और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। वैसे तो ये क्रिस्पी ही होंगे चावल के पकोड़े, क्योंकि जब हम नॉर्मल पकोड़े भी बनाते हैं तो बोलते हैं कि अगर चावल का आटा उसमें डाल दिया जाए तो वो क्रिस्पी बनते हैं, तो ये तो है ही चावल के पकोड़े, तो ये ऑलरेडी क्रिस्पी ही बनेंगे। तो फ्रेंड्स, एक एक करके मैंने इसमें डाल दिया है। तो फ्रेंड्स, अब बीच में चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हो गए हैं पकोड़े, वे बन चुके हैं, अच्छे से कलर आ गया है पकोड़ों का और मैंने इनको निकाल लिया है प्लेट पर। ऐसे ही मैं जो बैटर बचा हुआ है वो भी पकोड़े तल लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पकोड़े रेडी हो चुके हैं। ये है पकोड़े, इसको मैं खाऊँगी सॉस के साथ। आप इसके साथ चाय भी पिए, बहुत टेस्टी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स।